पूरी चीज़ हो चुकी है वो ये कि जुम्मे की एक रकत अदा हो चुकी है, दूसरी अभी हम अदा करते हैं। अच्छा गाइस, हमारे साथ एक मज़े की चीज़ हुई है वो ये कि हमें एक बंदा मिला है जिसका नाम है जी मोहम्मद सलीम, और ये बंदा अफगानिस्तान से है लेकिन यूएसए में सेटल है। तो उस वजह से हमने भी पिक्चर्स वगैरह तो ली हैं लेकिन इसे अपने व्लॉग में लेते हैं। तो जी हाँ जी, वो हमारे मोहम्मद सलीम भाई। हे ब्रो, व्हाट्स अप? हाउ आर यू? आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान ब्रो। अगर आप लोग फैसल मस्जिद में हो और आपने वजू करना हो, जिस टाइम फैसल मस्जिद ऊपर से एक सीढ़ियाँ ऊपर को आती हैं, लेकिन अगर आप वजू करना हो तो ये सामने आई थिंक ये बहुत शौक है, काफ़ी अच्छी चीज़ें पड़ी हुई हैं, रिंग वगैरह भी हैं, सीढ़ी वगैरह भी हैं, और कोई चीज़ बाई कर रही है। फर्स्ट थिंग इज़ मैं अपने आप में इंट्रोडक्शन दे दूँ कि हु आई एम। तो मेरा नाम है मोहम्मद वकास अल्ताफ है, और जो हमारी कास्ट है वो है राणा। सो और दूसरी चीज़, हाँ, जो मेरी रेजिडेंस है, जो मेरी रिहाइश है, वो इस्लामाबाद में ही है। तो आज से मैं अपनी ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहा हूँ। ब्लॉगिंग स्टार्ट करने का मकसद ये है कि हम नई नई प्लेसेस को डिस्कवर करेंगे। डिस्कवर करने में हमारे को जिस तरह का मस्जिद होगी पाकिस्तान में मनाया गया आज जुमा। तो आज हमारा मेन पर्पज़ है वो हमने करना है जी, आज फैसल मस्जिद को डिस्कवर। फैसल मस्जिद किसने बनाई, कब बनी, ठीक है, फैसल मस्जिद का एड्रेस कौन था, फैसल मस्जिद जो पूरी शेप है वो क्या है, और किस जगह पर यह वाक़ है, ठीक है, सारी चीज़ें आज इस व्लॉग में आपको पता चलेंगे। जुमे का दिन है और जुमे में ऑब्वियसली आवाम ज़्यादा होगी, और जुमा भी उम्मीद ही है कि बच जाएगा हमारा, और उम्मीद ही पड़ेंगे क्योंकि हम घर से निकले थे तकरीबन 12:50 पे, और अभी जो टाइम हो रहा है अराउंड 1:17-20। अच्छा गाइस, जब तक मैं अंदर जा रहा हूँ फैसल मस्जिद में, तो आप लाइक करने में और शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब करने में कंजूसी मत कीजिएगा, वैसे तो पाकिस्तानी इमाम है ही कंजूस।
की है, दूसरी अभी हम अदा करते हैं। और आवाम का हजूम बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम लेवल पे है। तो दिखाते हैं आपको सारी मस्जिद, वेट करें ज़रा जुमा अदा करने में। गाइस जैसा कि आप लोगों ने देखा, हम फैसल मस्जिद में इस वक्त मौजूद हैं। ये हमारी फैसल मस्जिद है और देख लें, इसमें सबसे जो मज़े की चीज़ आपको दिखानी है वो ये है कि ऊपर छोटा भाई बता रहा है कि दो जगह पे पाकिस्तान के फ्लैग लगे हुए हैं। एक ये है हल्का सा, अगर आपको नज़र आए तो, एक और सर दूसरा किधर है, दूसरा ये है आई थिंक, हाँ ये है। और ये फैसल मस्जिद की सारी डिटेल है अगर हम देखें तो। लेकिन आज आवाम बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आवाम है, क्योंकि आज जुमे का दिन है और आवाम ने खीर डाली हुई है ना पूरे मस्जिद में। वरना इजीली अगर आप आएँ किसी भी नमाज़ पढ़ने तो आप अंदर इजीली जा सकते हैं। हम कोशिश करते हैं कि हम अंदर चले जाएं, लेकिन कोशिश ही है क्योंकि कंफर्म नहीं है कि हम अंदर जा सकें, लेकिन स्टिल ट्राई करते हैं। तो ये जो है मेरे साथ मेरा छोटा भाई है, तो भाई के साथ हम जाए कोशिश करते हैं कि हम मज़ीद अंदर जा सकें, लेकिन मुझे लगता नहीं है क्योंकि नमाज़ के वक्त ही जस्ट ओपन होती है और नमाज़ के बाद वो फ़ौरन से मस्जिद क्लोज़ कर देते हैं। तो बाकी चीज़ें भी दिखाते हैं मस्जिद की कि हम वज़ू कहाँ पर कर सकते हैं। एक तो इधर से जो सूरज आज हम इतने शदीद आ रहे हैं ना कि ना पूछें, क्योंकि आँखों में ना बस जाए जा रहे हैं और इतनी बुरी शेडो आ रही है ना बस ना पूछें। अच्छा भाई, इस फैसल मस्जिद में तो हम मौजूद हैं, तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि फैसल मस्जिद के बारे में मशहूर हैं वो मैं आपको बता दूँ। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि फैसल मस्जिद का नाम किसने रखा या किसके नाम हम इसे फैसल मस्जिद ही कहते हैं। इसका जो फुल नेम है वो है शाह फैसल मस्जिद। ये सऊदी अरेबिया के एक सदर थे, उनके नाम पे रखी है, क्योंकि जो फंडिंग करने वाले थे इस मस्जिद की वो सऊदी अरब से ही लोग थे। अच्छा, दूसरी चीज़ हमारे पास वो ये है कि इस मस्जिद की बुनियाद रखी गई 1976 में, और इस मस्जिद का काम जो मुकम्मल हुआ 1986 में काम मुकम्मल हो चुका था। अगर आप लोग फैसल मस्जिद में हों और आपने वजू करना हो, जिस टाइम फैसल मस्जिद ऊपर से एक सीढ़ियाँ ऊपर को आती हैं, लेकिन अगर आप वजू करना हो तो ये सामने नल्स वगैरह लगी हुई हैं, लेकिन स्टिल नीचे जाकर देखते ज़रूर हैं, चार तरफ से ये सीढ़ियाँ इसकी उतर रही हैं, तो इधर से हम भी उतरते हैं, तो देखते हैं हमारे साथ क्या बनता है। ये जितनी भी जगह सारी वजू के लिए है, जितनी भी है, काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी बड़ी। वैसे तो फैसल मस्जिद फुल ही इतनी बड़ी है कि बंदा नहीं फिर सकता इसमें, फिर सकता है लेकिन बंदा थक जरूर जाता है। तो काफ़ी बड़ी जगह है, काफ़ी। इधर आई थिंक वाशरूम भी एक साइड पे है, और ये सीढ़ियाँ वगैरह जो ऊपर अगर आपने जाना हो तो इधर देखते हैं कुछ ऊपर जाके भी कि हमें क्या देखने को मिलता है। असान आगे चलो। यह मेरा छोटा भाई जो कि कैमरे से काफ़ी ज़्यादा डर रहा है। मैंने उसे समझाया तो है कि असान टर्न करना, ये है इसकी शक्ल। यह है मेरा छोटा भाई। इवन मैंने जैसे बोला है कि कैमरे को ज़रा फ्रेंडली लो, तो उसी चीज़ है, लेकिन भाई इस चीज़ को मानने को तैयार ही नहीं है कि वो कैमरे को ज़रा फ्रेंडली लें। चढ़ते हैं इधर से सीढ़ियाँ और देखते हैं कि ऊपर हमें क्या मंजर देखने को मिलता है। अगर आप बाई वाली साइड से आएँ तो आपको एक सीढ़ियाँ मिलती हैं, क्योंकि ग्राउंड फ्लोर पे नहीं है मस्जिद। लगता ये है कि ग्राउंड फ्लोर पे है, लेकिन थोड़ी सी आई थिंक आपको कोई 12 से 15 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती हैं, फिर जाके ऊपर फैसल मस्जिद में आते हो। ट्राई करते हैं कि फैसल मस्जिद के मंदिर जा सकें, लेकिन कोशिश ये है, जैसे कि पहले बताया आपको कि लगता नहीं है हम जा सकेंगे अंदर, क्योंकि नमाज हो चुकी है। आई थिंक जा सकते हैं हम लोग, आई थिंक। चलिए अंदर नहीं जा सकते, लेकिन स्टिल ट्राई जरूर करते हैं कि हम अंदर से देख तो सके ना एटलीस्ट कि अंदर है क्या चीज़। आई थिंक नहीं, अंदर नज़र आ तो रहा है लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई हमें नहीं। स्टिल ट्राई करने के बाद भी लेकिन नहीं। आप इधर अगर आएँ तो आंखों से ज़रूर देख सकते हैं, वो भी झांकने वाली बात है। अंदर आप जिस तरह के लोग झांक रहे हैं सारे, इस तरह झांकेंगे जब तक नमाज का टाइम है, तो आप अंदर जा सकते हैं।
और मस्जिद भी बड़ी है, मुश्किल आवाम इतनी आती है कि मस्जिद फुल हो जाती है जल्दी ही। तो वैसे भी आज जुमे का दिन है, तो जुमे वाले दिन में ये चीज़ें होती वैसी ही हैं। चलें किसी और दिन चक्कर लगा तो फिर ज़रूर लोग बनाएंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे, देखते हैं फिर हमारे साथ क्या बनता है। यही मंजर है जी हमारे कसम मस्जिद का, तो ये सामने सारी कसम मस्जिद है हमारे पास, और ये वो सीढ़ियाँ हैं जहाँ से मैंने बोला था उसको ऊपर आना पड़ेगा। और सामने जगह इस जगह आपको अपनी जूतियाँ देनी होंगी, जब चप्पल या जूस या कोई भी चीज़ है आपको जब देने पड़ेंगे, तो उसके भी वो पैसे भी लेते हैं। हमसे तो भी दिए हैं क्योंकि हमारे पास दो ही स्लीपर थे, एक मेरे और एक भाई के, तो वो हमने दिए हैं। और ये जो सामने बिल्कुल रोड आ रहा है ये आता है कसम मस्जिद की तरफ, और इधर रश इसलिए है क्योंकि आई थिंक आगे चेक पोस्ट है तो वो चेक करके लेते हैं। लेकिन इधर एक और चीज़ है जिसकी मुझे कमी लगी, वो ये कि इधर सिक्योरिटी चेकअप कोई नहीं है। लाइक जितनी ज़्यादा इधर आवाम है या जितनी ज़्यादा पब्लिक देखे ना तो इधर एटलीस्ट होना चाहिए, लेकिन नहीं है, पता नहीं क्यों। अच्छा गाइस हमारे साथ एक मज़े की चीज़ हुई है, वो ये कि हमें एक बंदा मिला है जिसका नाम है जी मोहम्मद सलीम, और ये बंदा अफगानिस्तान से है लेकिन यूएसए में सेटल है। तो उस वजह से हमने भी पिक्चर्स वगैरह तो ली हैं लेकिन इसे अपने व्लॉग में लेते हैं। तो जी हाँ जी, वो हमारे मोहम्मद सलीम भाई है। ब्रो व्हाट्सएप, हाउ आर यू? आई एम गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वेयर आर यू फ्रॉम ब्रो? आई एम फ्रॉम अफगानिस्तान ब्रो। व्हाट यू थिंक अबाउट पाकिस्तान? Pakistan is a nice country. Pakistan is a nice country. Yes. Yes. It's been like a month. I'm staying in here, walking around. And seeing. Why you come to here? Just seeing the places, and I'm getting. You are a here. Visitor here. What's up? You are a visitor here. Yeah, you can say like that. I'm a visitor. Yes. Okay. ये फैसल मस्जिद में ही एक बुक शॉप है, इससे आप मुख्तलिफ़ चीज़ें ले सकते हैं जिस तरह रिंग्स होंगी, कुछ की चैन होंगे, इस तरह की चीज़ें वगैरह आप इजीली बाय कर सकते हैं अगर आप फैसल मस्जिद के अंदर से ही लेना चाहते हैं। बड़े भाई है हमारा, दो ही हमारे तैयार हैं जी हमारे, शुक्रिया। जूते रिसीव कर लिए हैं और निकलते हैं अभी पैसा मिलते हैं। ये कुछ चीज़ें आपके फ़न के लिए अगर आप आएँ तो, अगर आपका निशाना अच्छा तो आप कुछ चीज़ जीत भी सकते हैं, अगर आपका निशाना नहीं तो आप अपने पैसे वेस्ट ही करेंगे। जिस तरह ही आप फैसल मस्जिद से निकलेंगे कुछ चीज़ें आपको यूँ स्टॉल छोटे छोटे मिलेंगे, आपने कुछ चीज़ खरीदनी तो आप खरीद।